नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाफिज़ नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से। आज हम एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाने जा रहे हैं जिन्होंने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की और ये किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। माशाल्लाह बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और बड़े सारे मोटिवेशनल लेक्चर दे चुके हैं। हम आपका तारुफ़ करवाने जा रहे हैं हसीब खान साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। तो सर, हम आपकी लाइफ का आगाज़ पूछेंगे, कैसे लाइफ का स्टार्टअप क्या था आपका? सर, अगर आप लाइफ को देखें तो मैं एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली के अंदर पैदा हुआ था। वाले साहब मेरे आईजी रहे पंजाब के, तो और उसके बाद ब्यूरोक्रेट थे और उन्हें पढ़ाया, पहले उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते रहे और उसके बाद इधर आ गए और सारी ज़िंदगी उन्होंने यही सोचा कि मेरे बच्चे जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। लेकिन अल्लाह को ये वाला मेरे लिए प्रोफेशन पसंद था तो मैं उस्ताद ही बन गया और पढ़ाना शुरू किया। तो आई थिंक के वो एक अच्छी ग्रूमिंग हुई एज अ ब्यूरोक्रेट। किस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं, आप बात करते हैं, आपके स्पोर्ट्स हैं, आपने इंटरनेशनल ट्रेवल करना है, आपने अपने आप को ग्रूम कैसे करना है, तो मैंने वो सब की सब चीज़ें जो हैं वो मेरे लिहाज से अब्बा ने सारा कुछ ग्रूम करवाया। सेंट एंथनी से पढ़ा हुआ हूँ जी, सेंट एंथनी हाई स्कूल से मेरा मैट्रिक है। बड़ी मुश्किल के साथ मैट्रिक हुआ था लेकिन मैट्रिक है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चला गया, आर्ट्स मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 4 साल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में रहा जी। और इसी असना में मेरे पास जो सबसे ज़्यादा आइडिया था, मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि जी अभी तो गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं पता कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज में आयो, लेकिन जब जाओ तो कम से कम पता लगे कि कोई गया है या कोई यहाँ पे आया था। और फिर अब्बा ने कह दिया कि जी अगर तो मेरे बेटे की फर्स्ट डिवीजन आ गई बीए में तो मैं अपने बेटे को गाड़ी ले दूँगा। तो मैं कहा चलें जी, और मेरे पास था जी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और स्टैट ऑप्शनल। स्टैट्स मेरे पास ऑप्शनल था तो इकोनॉमिक और हिस्ट्री में वैसे ही नंबर कम आते हैं लोगों के साथ था, तो मेरे जी 509 नंबर आ गए बीए के अंदर और मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई। तो अब्बा को जब पता लगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। एक रोल नंबर इधर ऊपर देखे कोई नीचे देखे कि मेरा पुत्र नहीं है। लेकिन अब्बा वॉज हैप्पी और अब्बा ने फिर मुझे गाड़ी लेके दी। तो वो जी आया और पहले सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आ गए एमबीए में, और जब दूसरा सेमेस्टर आया तो मार्क्स बिल्कुल ही नीचे ठक कर गए। वो कहते हैं ना मैं लुटी गई वाला काम हो गया, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो अब्बा ने गाड़ी वापस ले ली। अब्बा ने कहा कि तुम इस काबिल ही नहीं हो, साइकिल पे जाओगे या बस पे जाओगे? मैं कहा लो जी, मतलब आप एक अच्छी बली, आपकी टर्नौटी बनी हुई थी तो आपने आके वो ख़राब कर दिया। लेकिन फिर अगले सेमेस्टर में नंबर आए तो गाड़ी मिली, वरना वो तब तक गाड़ी के बगैर था जी। कभी दोस्तों को कहा कि यार आ जा लेने छोड़ने, या कभी साइकिल के ऊपर आ रहा हूँ क्लास पढ़ने के लिए या बस के ऊपर आ रहा हूँ, तो इस तरह, या ड्राइवर को भी छोड़ने आ गया। अब्बू को बहुत प्यार आ गया तो ड्राइवर ने छोड़ दिया, और ड्राइवर ने लिया कि तुमने अपने आप को ख़राब कर लोगे। और यार मैं कह जी ठीक है, तो हमने वो चीज़ें इनके साथ की। और एक और बड़ी कमाल बात थी नवीद कि हमने ना एक तो एमबीए में कर ही रहा था, उसके साथ जब आपका दाखला आया तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो अब्बा ने मुझे कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज तो ठीक है दैट यू आर डूइंग वहाँ पे, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का जो इम्पैक्ट होता है ना वो तुम्हें लेना बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री में दाखिला ले लो। मैं कह डैड मतलब मेरे को एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, तुम्हें मेरे को इतने समय? उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बहुत ज़रूरी है। तो अब होता क्या था सर कि जब एमबीए में मेरे पास बाकी सारे सब्जेक्ट होते थे तो मैं समर के सब्जेक्ट छोड़ देता होता था, और समर्स में मैं फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर के पेपर होते थे 2 साल, तो एक मैंने फिफ्थ ईयर के पेपर दिए, फिर मैंने सिक्स ईयर के पेपर दिए, तो 3 सालों के अंदर आई हैड 2 डिग्रीज कि वो आके मेरा मास्टर्स भी मेरा हो गया हिस्ट्री के अंदर और मेरा एमबीए भी, मैंने आई गॉट थ्रू इट। तो उसके बाद जी फिर नौकरी की तरफ आ गए कि नौकरी क्या करनी चाहिए, तो फिर इम्तिहान दिया तो इंस्पेक्टर हो गया, तो इंस्पेक्टर अब्बा को पसंद नहीं था। उसके बाद फिर लेक्चर का इम्तिहान दिया। इंस्पेक्टर कितना अर्सा रहे? मैं जी 6 महीने। अच्छे महीने, और जब तक हम सिहाला नहीं गए थे, वो सिहाला उनके साथ ये हुआ था कि इंस्पेक्टर यूटी जब हम सारे लगे तो हम लोग पहले हमें ना थाने मिल गए, तो उसके बाद सिहाला में चूंकि हमारा जो पहला बैच था वो अभी तक निकला नहीं था, वो पहला बैच वहाँ पे था, तो उन्होंने कहा कि जी चले हम पहले आपको ड्यूटी लगाते हैं और उसके बाद फिर। तो जब सिहाले जाने का टाइम आया तो उस वक्त मुझे रोक दिया गया और मैंने आई हैड टू क्विट, और उसके बाद फिर मुझे लेक्चरर। तो मेरी पहली जॉब जो थी जी वो एज लेक्चरर थी, और वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जी का गली मरी,
कहाँ पुलिस के सलूट और कहाँ पुलिस की कमाल, और वहाँ जाके जी का गली मरी में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बाबर क्या, मैं और मैं अंग्रेज में कह बाबर केम इन 1526 एंड ऑल दैट थिंग, तो वहाँ पे सारे वो मेरे जो कुलीग्स हैं उन्होंने कहा जी इनको ये समझ नहीं आता, इनको ये समझ आता कि बाबुर 1526 में आया, तो आप इस तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट देंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी, ऐसे नहीं। मैं कह भाई इस तरह मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का पढ़ाऊँ यार, मैं रावियन हूँ, मतलब मुझे किस तरह, और मैं अपने अब्बा को कहूँ मैं कि यार ये मेरे आप लाहौर ट्रांसफ़र क्यों नहीं कराते, उन्हें कहा नहीं बेटा ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें सीखनी ही सीखनी है, तो वो अल्टीमेटली सीखा एक जगह पे। अभी तो खैर आपको मोटरवे बन गई है, पहले वो एक और रास्ता होता था जहाँ से हम जा रहे थे, तो वहाँ पे लोगों ने बसें जिस तरह लूटी जाती थी, ये पत्रियाटा की तरफ से आप जा रहे हैं तो वो वहाँ पे लूटे, और अचानक ना वो बस वाले ने बस चला दी, सारे लोग इधर थे तो हम कुछ प्रोफेसर यंग लोग थे सारे, तो हम लोग ना बसों के ऊपर पीछे थे ना जो ऐसे ऐसे करते हुए हम उनकी छत के ऊपर चल गए, और किसी ने गोली चलाई पीछे से ना हमारे ऊपर, गोली चली तो गोली चलने के बाद हमारा वो प्रोफेसर था वो मैंने लग गई जाए मैं नहीं लगी पाई और ठा दी, और मैं यार तीनों नहीं आई, तो उसको फिर ऊपर लेकर आए, लेकिन वो पैनिक है कितना क्रिएट, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो पैनिक क्रिएट सामने वो चीज़ें देखी, तो वो उससे भी निकले, वो भी हमें फर्स्ट टीचिंग आपने शुरू की, सैलरी कितनी यार मेरी जो पहली तनख्वाह थी वो थी 5385 रुपये, और जिससे मैं शादी करना चाहता था मैं उनके पास गया खातून के पास, और मैं उनको कहा कि जानू तनख्वाह इतनी लग गई है तो अब हम शादी कर लेते हैं, कितनी तनख्वाह लगी तुम्हारी, मैंने कहा 5385 रुपये, तो उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने कहा, उन्होंने कहा देखो इतने की तो मेरी एक जूती आती है, तो मैं अपना सा बड़ा सा मुंह लेके रह गया, और मैंने कहा अच्छा बीबी आपकी मर्जी है, फिर आप इधर मतलब मैं ना ही समझा, फिर उन्होंने कहा हाँ जी ना ही है, तो वो वहाँ से निकल आए, लेकिन उस चीज़ ने मुझे सिखाया बहुत। वो ये है कि आपको ज़िंदगी में बहुत जगहों के ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती, तो आप या तो रो लेते हैं या फिर यू मूव फॉरवर्ड, तो मैं रोया भी और उसके बाद फिर मैं मूव फॉरवर्ड भी किया कि यार चलो कोई बात नहीं, और उसके बाद मुझे ये समझ आई कि लोग आपकी ज़िंदगी में तीन वजह से आते, फॉर अ रीज़न, फॉर अ सीज़न एंड फॉर अ लाइफ टाइम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार रीज़न वाला सीज़न वाला अगर कौन है और फिर लाइफ टाइम वाला कौन है, तो वो आपको जितने लोगों से आप मिलते जाते हैं आपको अंदाज़ा होता जाता है कि हाँ यार मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे समझ आई, और उसके बाद फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाने के बाद फिर मुझे ये लगा कि यार मेरे जो उस्ताद थे मेरा और उनके दरमियान बहुत गैप था, एज का भी और रिस्पेक्ट बहुत थी, और मैं कहा यार अच्छा व्हाट आई कैन डू टू बी मोर क्लोज टू माय स्टूडेंट्स, और मेरे स्टूडेंट्स मेरे 4 साल छोटे थे 5 साल छोटे थे, मतलब मैं फ़ौरन ही, मतलब आप देखें आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप फ़ौरन ही उसके बाद आप चले जाते हैं, तो जो सेकेंड ईयर के हैं या आपको मास्टर्स के या बीए के स्टूडेंट्स हैं तो वो आपके करीब करीब ही, और आपकी बातें समझ आती थी, उनको गपशप न समझ आती थी, तो वो मैंने उनके साथ दोस्ती लगाई जी, दोस्ती लगाने के साथ चीज़ें ये हुई कि हाँ एक आपकी लोग आपको अपनी हर चीज़ बता गए मेरे साथ स्टूडेंट के साथ, और उनकी वो झुकतें उनकी बातें, और मुझे क्लास में कोई बोलता था तो मैं हंसता था, तो मैंने कभी भी रिएक्शन नहीं दिया, तो उसके बाद एक दफ़ा होता था दो दफ़ा होता था तो वो बिल्कुल डाई डाउन हो जाते, जहाँ पे भी आपके ऊपर आपको कुछ जुगत लगे और आप अपना मुंह बन जाए तो वो लोग समझ लेते हैं इससे चिढ़ता वो भी ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा करते हैं, तो वो इसके लिहाज से शुक्र, और मुझे हर कोई एक्टर के तौर पर बुलाता रहा मेरी टीचिंग के बाद भी कि जी यार एक्टर है यार, या वो मेरा होता था यार वो वाला मास्टर जरा शलवार कुर्ता पाँदा, वो मेरी ये दो मेरा ये कॉन्टेक्स्ट रहा, और तीसरा ये कि जी अब वो जो स्माइल करते हैं वो एक अलग बात में आए, लेकिन ये आई थिंक कि जी ये चीज़ें जो थी ये इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया मेरी लाइफ में कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। सर शादी कब हुई आपकी? देखिए जी मेरी शादियाँ हुई हैं मैं आपको पहले इस बात बता दूँ, मेरी पहली शादी जो जी थी वो थी 2000 में, और बहुत अच्छे थे, मतलब वी वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, और मेरी जो वाइफ थी बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, लेकिन वो दो अच्छे लोगों की भी शायद ज़िंदगी में नहीं बनती है, और शायद वो कहते हैं कुछ शहर के लोग भी जालन सन को सानू मरण का शौक भी सी, तो वो हमारे हिसाब से कुछ मेरी ही हरकतें ऐसी होंगी या कोई जो उनको नहीं पसंद आई होंगी, या उन्होंने कहा होगा कि जी मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो वी वर अवे फ्राम ईच अदर, तो वो ख़त्म हुआ और मैं अपनी ज़िंदगी के 3 साल अकेले रहा,
2000 से लेकर 2002 तक वो मेरे साथ रही, मेरी फर्स्ट वाइफ, और उसके बाद फिर हमारी लव मैरिज नहीं जी, अरेंज मैरिज थी जी, लेकिन लव था, बिल्कुल आई लव्ड माय वाइफ अलॉट, और अभी भी अगर आप मेरी अब जो बेगम है वो इस बात पे बहुत परेशान होते हैं कि आप अपनी पहली वाली बेगम को अब भूल नहीं पाए, तो मैंने कहा यार देखें जो ज़िंदगी में आपके साथ पहली दफ़ा पहला होता है वो वेरी बात है, यू इन्जॉय ऑल दोज मोमेंट्स एंड ऑल दोज टाइम्स, सो शी वॉज अ लवली, शी इज़ रादर अ लवली लेडी जो मेरी पहली वाइफ थी, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज विद हर, और बहुत अच्छी हैं, और ज़िंदगी के अंदर सब के सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी, आई बिलीव कि दे आर द बेस्ट दैट आई द बेस्ट टाइम दैट आई हैड विद हर, तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हमारी जिस वक्त सेपरेशन हो गई, वो मुल्क से बाहर चली गई और मैं यहाँ पे ही रह गया, तो अल्टीमेटली फिर मेरी अम्मा ने मुझे एक बात कही कि ज़िंदगी में या तो इंसान अल्कोहलिक हो जाता है या वर्कहोलिक हो जाता है, तो इट्स योर टाइप कि तुम जिंदगी में जो मर्जी करना चाहते हो, तो इट्स बेटर दैट यू बिकम अ वर्कहोलिक रादर देन अल्कोहलिक, तो फिर आई स्टार्टेड वर्किंग मोर, तो फिर मैंने, और मेरी अम्मा उस वक्त भावलपुर में थी अम्मा अब्बा, तो मैंने अम्मी को कहा कि प्लीज़ आप मेरे पास आ जाएँ, तो अम्मी कहती हैं जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी तो रहते, मुझे बड़ी गुस्सा चढ़ा इस बात के ऊपर, लेकिन मुझे अब इस बात का एहसास होता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक का था, कि माँ बाप के बगैर भी आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती हैं, और अभी भी अब मेरी अम्मा अब्बा को मेरे से बिछड़े हुए, उनकी डेथ हो गई तकरीबन 5 साल हो गए, अम्मी 8 नवंबर 2015 और अब्बू 20 फरवरी 2016, 3 महीने के अंदर आए लॉस्ट बॉथ माई वर्ल्ड, सो वो उनके लिहाज से अभी भी हुआ था, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस वक्त अम्मा याद नहीं आती या अब्बा याद नहीं आते, तो वो बिल्कुल है, लेकिन उनकी बातें जो पहले मैं हंस दिया करता होता था कि मैं नहीं माननी, लेकिन अब वो उनके जाने के बाद वो चीज़ें बातें मानी जाती हैं और चीज़ें समझ आती हैं कि इनको इस तरीके से नहीं ऐसे करते थे। सर टर्निंग पॉइंट क्या था, किस दौरान आपने यानी कि टोटल लाइफ चेंज हो गई? अब यार मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2010 में आया, और 2010 में ये था कि मैं मेरे ना स्टूडेंट्स, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो मेरे स्टूडेंट्स ना कुछ टाइम पे नहीं आते होते थे, जैसे ना सुबह 8 बजे की क्लास है तो नहीं पहुंच रहे, तो मैंने उनको ये ड्यूटी लगाई थी कि तुम लोगों ने ना 7 बजे मुझे यहाँ घर से लेना है और फिर हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाया करेंगे। तो एक मैं एक दिन ना मुझे दर्द हुई यहाँ पर, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार यहाँ पर डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में ज़रा मुझे तैयार है, मुझे दर्द हो रही है यहाँ पे, तो मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो डॉक्टर मुझे कहा आपको तो हार्ट अटैक हुआ है, मैंने कहा अच्छा, मैं कहा मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें क्या, उन्हें कहा नहीं हम तो नहीं आपको जाने देंगे, तो मेरे भाई बहन मेरे साथ रहते थे, मैंने उनको बुला लिया, मैं कहा भाई ये मेरे साथ सीन हो गया तो आ जाओ, उसके बाद फिर वो वहाँ से हमने डॉक्टर हॉस्पिटल से जाना था, तो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले जाने ना दें कि जी आपका ये भाई मर जाएगा, अगर मर जाएगा तो आप लिख के देंगे जी ये आप इसको अपनी मर्जी से लेके जा रही, तो मेरी बहन माशाल्लाह बहुत चीती है, तो मेरी बहन ने लिखा, उन्होंने कहा जी मैं अपने भाई को लेके जाऊँ, फिर हम PIC में गए, तो फिर वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि जी आपका ये एक आर्टरी आपकी बंद है और आप इसको आप देखें, और मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट ये था कि मेरी बेटी को उस वक्त पैदा हुए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था, 5 अप्रैल 2010 अल्लाह ने मुझे ब्लेस किया विद द डॉटर, तो मेरे लिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जी मेरी बेटी हो और मैं उसको ना स्टेफी ग्राफ की तरह टेनिस खिलाऊं, ये मैं बहुत बचपन से ये एक कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन वो जब आया तो मैंने कहा यार लाइफ तो बड़ी चेंज, और मुझे लगा कि यार हाँ मैं सारा वक्त दुनिया को ये बताने के लिए भागता रहा कि मैं कुछ हूँ, कि मुझे मानो मैनू मनो मैं की कर रहे हैं, मैं इस तरह का टीचर है कहाँ, मैं एक कीता, लेकिन दुनिया मान ही नहीं रही थी क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग सूरमा दुनिया में थे और उनको पता था कि भाई तू ये किया है, इस तरह के और टीचर ने पाकिस्तान का आप जगह जगह दिखाएं तो आपको ऐसा ऐसा टीचर मिलेगा जिसकी आप एग्जाम्पल्स देते हैं, तो मैं उस पर फिर परेशान, मैंने कहा यार इसका मतलब ये है कि आप परफेक्शन की तरफ भी चले जाएंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में नंबर वन का कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, आपने नंबर वन नहीं बनना, आपने ओनली वन बनना, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ओनली वन कैसे बन सकते हैं, चलो यार लेट्स स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट, फिर मैंने अपने आप को उस ओनली वन के अंदर, हाँ बाकी टीचरों में और मेरे में क्या फ़र्क है, स्माइल, बाकी टीचरों में और मेरे में क्या फ़र्क है, पहनावा, बाकी टीचरों में और मेरे में क्या फ़र्क है, पॉजिटिविटी, मेरे पास कोई भी मेरा स्टूडेंट आता है ज़िंदगी में कोई आ जाए मतलब रुल रुला के आ जाए, तो वो मेरे पास अगर घंटे में बैठेगा तो मैं कहूँगा कि वो जाएगा कहते सर मैं अपना ये भी करूँगा ये भी करूँगा ये भी मोटिवेशन, दिस इज़ व्हाट
चीज़ें मेरी एक स्टूडेंट थी जिनको कहा मुझे आई कनेड में थी, तो मुझे कहती सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैं ना सर आज सुसाइड कर रही हूँ। मैंने कहा सुसाइड तो आपका अपना है ना, आप देखें हज़रत इज़राइल तो नहीं आएंगे ना उनका टाइम तो नहीं हुआ अभी आपका कि वो आएंगे और आप कहेंगे आए जी पैकअप हो गया तो चलें। तो मैंने कहा आप इसको रोक सकती हैं तो 3 दिन सिर्फ हम क्लास में जब बैठेंगे तो हम गपशप लगाएंगे। और मैंने सर क्लास के अंदर भी बैठे हुए मैंने उनको टारगेट नहीं किया, लेकिन उनके जो जो पॉइंट्स थे ना जिन जिन बातों पर वो मुझे बोल के गई मैंने उन बातों का एक लेक्चर ठक करके दे दिया कि ज़िंदगी में ये होता है लेकिन इंसान को ये नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अल्टीमेटली फिर आई मेरे पास तो मैंने कहा अच्छा बेटा क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं पेंटिंग करती हूँ मैं आपकी पेंटिंग बनाऊँगी। तो उन्होंने मेरी पेंटिंग बनाई, आप मेरे फेसबुक पेज पर भी देखेंगे तो वो उस बेटी ने मेरी पेंटिंग बनाई हुई है और वो इस बात के ऊपर कहती है द एंजल ऑफ हैप्पीनेस कहती है कि सर ने मुझे ये चीज़ें कराई। तो वो मेरे लिए वो एक बड़ी एक बहुत अच्छा मोमेंट है लाइफ का। एक और मेरी अभी वो कनेड की स्टूडेंट थी जिन्होंने उन्होंने भी मेरे ऊपर एक छोटी सी अपनी स्टोरी लिखी, उन्होंने वीडियो बनाई, कस्बा उनका नाम है बेटी का, तो वो भी उसने भी एक चीज़ बनाई। उसके बाद एक मेरी स्टूडेंट है कनेड रही है, उन्होंने कहा सर आपकी स्टोरी लिखते हैं एंड नाउ शी इज़ राइटिंग माई स्टोरी और मेरी पूरी किताब जो मैं अभी उनके साथ साथ बैठ के लिख रहा हूँ तो वो भी इंशाल्लाह ताला उनका नाम सुंबल है और जिन्होंने अभी मेरी पिक्चर बनाई वो रिदा हैं। तो रिदा कस्बा सुंबल ये वो उन बहुत से स्टूडेंट के अंदर ऐसे हैं जिनको आपको चीज़ों की समझ आती है कि हाँ देव बीन देव कम फॉरवर्ड कि हम आपके लिए ये कुछ कर देते हैं। तो वो उनका प्यार है उन बच्चों का। सर कासिम साहब के साथ भी कुछ टाइम गुजरा? कासिम अली शाह जी, कासिम भाई इज़ लव। कासिम भाई के साथ तो बड़ी मज़ेदार बातें, और हमेशा मैं कासिम भाई के साथ जब भी मेरी बात होती है तो मैं कहता हूँ यार कासिम भाई आपसे ना बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है और आपको चीज़ें समझ आने की कोशिश होती है। कासिम भाई ने जब फाउंडेशन स्टार्ट की तो आई वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फाउंडेशन और उन फाउंडेशन के साथ बहुत से कोर्सेज ऐसे थे जो कि मैंने करवाए उस फाउंडेशन में और मैं उस टीम का हिस्सा था जिनके साथ साथ मिलके माशाल्लाह फाउंडेशन जिस तरह परवान चढ़ रही है तो वो उस वक्त भी मैं आई वॉज अ पार्ट ऑफ देम। तो वो उनके लिहाज से वो यही होता है ना कि आप उनके साथ साथ लोगों के साथ साथ चलते जाते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो कासिम अली शाह साहब इज़ मोर देन अ ब्रदर टू मी एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनकी लाइफ में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने चेंज भी की हैं कि यार कासिम भाई ये कहते हैं तो यार इस तरह कर लेते हैं। कासिम भाई की वीडियो देखी तो उन्होंने कहा यार कासिम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरा कासिम भाई के साथ का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरे वाले साहब का नाम कासिम था, हाफिज़ मोहम्मद कासिम खान मेरे अब्बा का नाम था, तो वो भी एक एसोसिएशन आपकी उस नाम के साथ भी आपकी लाइफ की सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी डैट अब्बा। अब्बा अभी खैर मुझे मेरी अब्बा जैसी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरा उन जितना कद भी नहीं गया, मैं उन जैसी बात भी नहीं करता, लेकिन मुझे अगर कोई अब्बा के दोस्त मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि यार तुझे देख के मुझे हमारा दोस्त याद आता है तो आई थिंक कि वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं बहावलपुर गया, मेरा भाई इतकाफ बैठा हुआ था तो मैं वहाँ पर मस्जिद में वहाँ पर गया तो एक साहब मुझे आए तो मुझे कहते हैं हाफिज़ कासिम द पोत्र हैं। मैं जी तो वो मुझे एक चीज़ को समझ आ जाती है कि यार हम अपने शहर में जाते हैं तो वो कहते हैं यार तुम्हारे अब्बा के साथ ना मैं फुटबॉल खेला करता था 1960 की बात कर रहे थे 1960 की, तो मैं यार तुम्हारे अब्बा फुल बैक होते थे, तुम्हारे अब्बा ये सेंटर हाफ खेला करते थे यार वो बहुत कमाल। तो मैं जब अब्बा की कहानियाँ सुन रहा होता हूँ चीज़ें सुन रहा होता हूँ तो और अब्बा की सबसे अच्छी बात ये थी कि ऐसी कॉलेज बहावलपुर में अब्बा का को 4 रोल ऑफ ऑनर इन अ ईयर, तो मतलब दिस वॉज 1886 से लेकर 1986 तक मेरे अब्बा जैसा कोई भी नहीं आया था जिनको 4 रोल ऑफ ऑनर एक साल में मिले हों। उसके बाद मेरी वालदा मरहूमा ने ऑल पाकिस्तान ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के अंदर अम्मा को बेस्ट एसए का अवार्ड मिला था और आप सोचें कि जब वो उन्होंने लिखा था मेरे प्यारे अब्बा के नाम से, अब्बा के अपने नाना मेरे नाना के ऊपर लिखा था क्योंकि अम्मी क्लास 7th में थी तो नाना की डेथ हो गई थी तो वो फिर अम्मा ने उनके ऊपर वैसे लिखा है अम्मा गॉट अ गोल्ड मेडल देयर ऑन दैट। और माशाल्लाह उनकी औलाद जब यहाँ भी आई और वो ना पढ़ रही हो तो आप सोचें कि कितना दुख होता है सबको और सबसे बड़ा बच्चा और वो भी सबसे कि यार तेरा करना की है तू की करेगा ज़िंदगी और मतलब आपको सोच सोच के कि यार ये क्या करेगा ये इसकी कुछ समझ नहीं आ रही ये ऐसे, लेकिन अल्लाह को चीज़ें डिफरेंट मंजूर थी और मुझे लगा कि यार आपकी ना ज़िंदगी में
आपकी कोशिश तो होती ही होती है, लेकिन आपके माँ बाप की दुआएं बहुत मैटर करती हैं। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप की दुआएं। अब मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मैं ना आइल्स पढ़ाता हूँ और मेरे अम्मा अब्बा ना मेरे दरवाजे के साथ, अब्बा जी ना मेरे लेक्चर सुना करते होते थे और फिर अम्मा को कहते होते थे ये इसने ना ये वाला लफ्ज़ ना 4 दफ़ा बोला है, तो इससे कहो कि ये वाली हरकत ना करें, अंग्रेज़ी इसकी ठीक करे, इसकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा यार अब्बा क्या कहते रहते हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो एक आया, मैं कहता होता था कि जी मैं हमेशा सुनाया ये कह रहा है कि मर्द और औरत गाड़ी के तो पहिए होते हैं लेकिन स्टपनी की अपनी अहमियत है। ठीक है कि स्टपनी को भी पता होता है कि यार मेरा टायर चेंज हो जाता है, टायर को भी पता है कि जी स्टपनी है कि है। तो अम्मी मुझे कहें कि अच्छी बातें किया कर, तू क्या बकवास करता है तू अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने कहा माँ जी स्टूडेंट्स को इसी तरह की बातें अच्छी लगती हैं। मैं कहती हूँ उनसे अच्छी बातें करेगा तो लोग तेरी बातें सुनते हैं। मैंने कहा माँ मेरी बातें किसने सुननी है क्या। तो अम्मा ने मुझे 2005 की बात है, शायद मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त, 4-5 की बात होगी, अम्मा ने मुझे कहा देख एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें तुम और मौलाना तारिक जमील एक जगह पे हो गए और तू उन जैसा हो जाएगा। माँ जी अल्लाह तो बात करे, कोई घट कोई गल करो। मैं किधर मौलाना साहब किधर मैं कहा माँ जी ये नहीं होना, ऐसी बातें नहीं है, मैं मौलाना साहब जैसी कोई बात नहीं कर सकता। तो अभी 2018 में सर रिफा यूनिवर्सिटी ने बुलाया हुआ था मुझे, ठीक है जी, और पहले मेरा सर 1.5 घंटे का एक सेशन था और मेरे बाद मौलाना तारिक जमील साहब का सेशन था और मौलाना तारिक जमील साहब और मैं एक स्टेज पे खड़े थे माशाल्लाह। और ये अम्मा की दुआ है, बातें बुरी हो गई उनकी, अम्मा की दुआ सर 2005 की, 2004 की दुआ, 2018 और अम्मी मेरी जा चुकी हैं अल्लाह के पास, और फिर भी अगर अम्मी की बातें अम्मी की चीज़ें पूरी हो रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब्बा मुझे कहते थे सर एक्टिंग स्टार्ट की ना मैंने, तो अब्बा मुझे कहते थे बेटे तेनों तदम मैं मनांगा जब तेरे बिल बोर्ड लगन गए। यह क्यों होता है तुम मॉडल बने आए कि बिल बोर्ड तेरे लगने चाहिए। सर अब MCB का आप जाएँ किसी भी बैंक के अंदर, अब MCB के आप जाते हैं तो आपको सामने तस्वीर नज़र आती है, मैं अपनी तस्वीर देखता हूँ एंड आई रियली मिस माई डैड। तो मैंने कहा मेरे अब्बा इस वक्त यहाँ होते ना वो तो मेरे अब्बा क्या क्या कुछ ना कहते लोगों को। मैं कहा वो चीज वो सर और कोई मेरे बच्चे मेरी बेगम मेरे कोई वो फील नहीं कर सकता सर जो मैं फील करता हूँ कि यार मेरे अब्बा अगर वो देखते मेरी होर्डिंग और मेरी होर्डिंग देख के वो क्या कहते। आई मिस दैट। सर किस किस ड्रामे में काम कर चुके हैं? ड्रामे बहुत जी, मैंने जाटन बॉन्ड से स्टार्ट किया था बेटा, जाटन बॉन्ड से लेकर और अभी आखिरी जो है वो इनकार अभी किया है मैंने हम टीवी के साथ, वो उनके साथ है राजा राजा करते भी और इनकार उनके साथ ही, ये मेरा लास्ट वो इनकाउंटर। और इसकी भी कहानी ये है कि सर संगत एक ड्रामा था जो हम टीवी पे आ रहा था और मेरी अम्मा ने वो ड्रामा देखा और अम्मी ने मुझे कहा कि बड़ा अच्छा है मेरा बेटा हम टीवी पे आ रहा है। मैं कहती जी थैंक यू अम्मा। अम्मी कहती हैं तो उस वक्त एक्टर मानूंगी जिस वक्त तू हम टीवी के ना और ड्रामे करेगा। तो मैं कहती अच्छा। और अम्मी की डेथ के बाद ही मुझे रंगरेजा मैंने किया, मैंने रांझा किया, मैंने इनकार किया, तो ये सारे हम अभी एक और भी है दिल ना उम्मीद तो नहीं, वो भी अभी हम पे चल रहा है, वो भी किया। तो वो अम्मा की डेथ के बाद ये सारी चीज़ें पूरी हुई, लेकिन आई एम हैप्पी कि अम्मा ने मुझे दुआ ज़रूर दी कि यार चलो मेरा बेटा कामयाब हो जाए इन चीज़ों के ऊपर, वरना नॉर्मली लोग इन बात की दुआ नहीं देते। अब्बा के साथ जब मैं दोस्ती का ऐड कर रहा था, एक हमने एक प्रोडक्ट था दोस्ती, तो दोस्ती के अंदर एक गाना था, तो वो हमने वो पूरे 4 एड थे उसके बाद गाना था। तो अब्बा ने मुझे कहा कि यार प्रेस साहब किधर होते हैं आप मिलते नहीं हैं। मैंने कहा यार डैड एक ना ये मैं कर रहा हूँ तो बड़ा मज़ेदार है, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वो चेक के हिसाब से भी और वैसे भी बड़ा अच्छा काम है। तो अब्बू कहते हैं हाँ यार ठीक है मैं तुझे ना मैं देखूँगा यार। मैंने कहा जी डैड। तो अब्बा की 20 फरवरी को अब्बा की डेथ है और 22 फरवरी को वो ऑन एयर होता है सर। और लाइफ टोटली चेंज। और मैं ऐसे देखता हूँ कि यार मैंने अब्बा के लिए कहा था कि यार चलो, और मैंने सर आपको पता नहीं मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ अम्मा अब्बा को दिखाने के लिए किया है कि मैं ये भी कर लूँ कि मेरी अम्मी मुझे शाबाश दे दें कि यार मेरे बेटे ने ये सब कुछ कर लिए। अब वो सब चीज़ें मिल गई हैं तो माँ बाप नहीं है, तो वो माँ बाप के ना होने की वजह से ना बस वो एक खला मेरे लिए ना वो एक चीज़ है कि वो कभी नहीं फुलफिल हुआ। क्योंकि मेरे मुझे भी सब लोग कहते हैं अभी ये कोविड के अंदर भी बहुत से लोग आए, मेरे अपने बॉस ने मुझे बुलाया कि यार खान साहब क्या हो गया आप क्यों डर रहे हैं, कोविड से क्यों डरते हैं क्या हो गया, मर तो जाना ही है। मैं कहा सर मरने का तो आप मसला ही नहीं है
मर तो उसी दिन नहीं गए जिस दिन अम्मा अब्बा चले गए, तो वो तो ख़त्म होगी सर लाइफ। अब तो आप सिर्फ औलाद के लिए अपनी जी रहे होते हैं, आप अपने वो काम कर रहे होते हैं, और औलाद को भी ये वाली बातें आपको समझानी होती हैं कि यार उनके लिए भी वो वाइब्रेंस हो, वो भी ये कहें कि प्राउडली कि यार मेरे अब्बा ने मेरे लिए कुछ करके गए। मैं तो अब बहुत प्राउडली कहता हूँ कि यार मैं जो भी हूँ आजकल, आज भी अपने अब्बा की वजह से हूँ, तो आई वॉन्ट माई सन एंड डॉटर टू से टू कि यार हमें हमारे बाप ने ये सब कुछ बनाया। तो वो बाप का करना होता है, लेकिन उसी वक्त ही याद आता है सर जब हम खुद बाप बनते हैं। Exactly. वरना उससे पहले लाइफ का विजन आपका कि जो सोच यार मेरी लाइफ का विजन है जी टू लिव इन द मोमेंट्स। जितनी जिंदगी के अंदर जो मोमेंट्स है ना सर, छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं, वो छोटे छोटे मोमेंट्स जीने बहुत ज़रूरी हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक मोमेंट आया आपके साथ जिंदगी में कि यार एक जगह मेरे दोस्त बुला रहे हैं और एक जगह माँ बाप बुला रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए? तो आपको सबके सेन में आता है कि जी यार दोस्तों के पास चले जाएंगे, यार माँ बाप के पास चले जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ है, आप अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं? जो आपकी ज़िंदगी में पहले आया वो आपकी प्रायोरिटी है। एग्जैक्टली आपके माँ बाप आपकी ज़िंदगी में पहले हैं, आपके बहन भाई आपकी ज़िंदगी में पहले हैं, आपके दोस्त आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो पहले माँ बाप फिर बहन भाई फिर दोस्त। तो आजकल दुनिया ने ना इसको उठा कर दिया कि मेरे यार उसके बाद मेरे भैन भरा उसके बाद फिर माँ बाप माँ बाप के साथ भी आ जाएंगे, क्योंकि माँ बाप समझाते हैं तो माँ बाप के समझाने की बातें समझ नहीं आती, और दुनिया कहती है कि यार क्या करेंगे, अम्मा अब्बा से क्या बात करनी, और अम्मा फ़ोन भी कर रहे हो यार आप क्यों तंग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो मैं तो उन सब लोगों को यही कहता हूँ कि भाई खुदा का वास्ता अगर अम्मा अब्बा हैं तो जाके पैर चूम लें, गाल चूम लें, जफियाँ डाल लें, क्योंकि ये वाली शख्सियतें नहीं मिलती। सर लास्ट में एक मोटिवेशनल मैसेज आपका बड़ा अहमियत रखता है, जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है उनको पैगाम दें कि लाइफ को किस तरह से जिए अपनी लाइफ को। देखिए जी मेरी ज़िंदगी में सबसे बात यह है कि जी कभी भी ज़िंदगी में काश नहीं कहना, ज़िंदगी में काश कहना छोड़ दें कि यार काश मैं इस वक्त ये कर लेता तो मैं ये हो जाता। आई डोंट बिलीव इन दैट। देखिए काश का मतलब ये हुआ कि यार आप अपनी ज़िंदगी पर सब्र शुक्र नहीं कर रहे, आपने अपनी ज़िंदगी में जो किया वो आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था, और आप ज़िंदगी में हर वक्त ये सोचते हैं कि यार आपकी ज़िंदगी में दो फरिश्ते बैठे हैं किधर और एक किधर, तो ये हैं वो हमेशा अच्छी बातें लिखते हैं, जो ये है जो आपकी बुरी बातें लिखते हैं, तो आप ये हमेशा ये कहते हैं कि यार यही लिखता रहे, ये बेटा वेला तो नहीं बैठेगा ना, इन्हें भी तो कुछ ना कुछ लिखना है, ये भी तो लिखेंगे। तो इनके लिहाज से भी आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि आप अगर हम इंसान हैं और हम गलती कर सकते हैं, और हमारी गलतियों से ही हमारे एक्सपीरियंसेस डेवलप होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस बात के लिए मतलब ये ना चीज़ें ना करेंगे यार ये मैंने पहले कभी किया ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा। तो यार आप करेंगे, आप रिस्क लेंगे, आप देखेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो फिर तो वो आपकी मेमोरी बनेगी। एग्जैक्टली आपके आज से आपके इतने लोग हैं, आप बहुत सी चीज़ों को मैं अगर बोलूँ आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा टीचर जिसने आप पे इम्पैक्ट क्रिएट किया हो, मैट्रिक का होंगे, FA के होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि आपको शायद उनकी क्लास का नॉलेज ना पता हो कि उन्होंने क्या पढ़ाया था, कैसा पढ़ाया था ये याद होगा, कि उनमें क्या शरारतें की थी यार, उसमें सर ने हमें क्या कहा था, ये चीज़ें याद रहती हैं भैया। तो ये चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में आपको याद हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव हैड अ ग्रेट लाइफ। और एक जगह पर आपके पास आता है कि यार करूँ या ना करूँ, यार जावां दोस्तों नाल या ना जावां, तो जस्ट गो यार। अगर देखें दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं कि आपका दिमाग आपको एक बात कहता है कि ये नहीं करना, दिल कहता है कि कर ले, दिमाग कहेगा नहीं नहीं ना कर, चवला ना मार, नहीं, आपका जो दिल है वो कहता है यार करन दे। और आप हमेशा ये कहते हैं, कभी ये नहीं कहते मेरा दिमाग चाह रहा है, आप हमेशा कहते हैं मेरा दिल चाह रहा है। तो जो आपका दिल चाह रहा होता है वो बिल्कुल ठीक चाह रहा होता है, तो दिल होता लेफ्ट साइड पे लेकिन बात राइट करता। तो इसलिए जस्ट गो फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर हार्ट आपको ज़िंदगी में, और क्या होगा गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, जाके ठीक कर लें, ज़िंदगी के साथ है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आपको ये पता लग गया है कि यार ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, ऐसी गुजारनी है, तो यस गुजारें। मेरे हिसाब से जितने लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि यार मैट्रिक के अंदर आपको बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मैंने कहा नहीं करना चाहिए, जो उनका दिल चाहता है उनको कर लेने दें। तो बच्चे जो स्किलफुल होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे, रट्टे वाला बच्चा नहीं चाहिए, रट्टू तोता नहीं चाहिए। तो वो बच्चा अगर अच्छा है, आप देखें कि हमारी उम्र में आके लोग क्या करते हैं कि अम्मा अब्बा के कहने के ऊपर, तो आपने किया होता है जी मैं डॉक्टर भी बन गया, मैं इंजीनियर भी बन गया, जब 40 साल के हो गए उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने तो म्यूज़िक सीखना था, मैं तो म्यूज़िक करना चाहता था, तो वो 40 साल के बाद अपने बच्चों के साथ वो कहते हैं नहीं जी मैं अपनी ड्रीम्स पूरी करूं। तो देखें आपके अपने ख्वाब हैं,
और आपके बच्चों के अपने ख्वाब हैं। एग्जैक्टली। प्लीज आप अपने ख्वाब खुद पूरे करें और अपने बच्चों को उनके ख्वाब खुद पूरे करने दें, तो वो दैट इज मच बेटर। और जिंदगी मोमेंट्स के साथ है, अपने मोमेंट्स को बनाएं, दोस्तों के साथ बैठें, घर वालों के साथ बैठें, मोमेंट्स कैप्चर करें, मोमेंट्स कैप्चर करेंगे, मोमेंट्स जिंदगी के आपके हिस्से बनेंगे और आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ क्या है। और लास्ट चीज़, प्लीज़ डोंट बी जजमेंटल अबाउट पीपल। लोगों को जज करना छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। दुनिया में हर इंसान बहुत अच्छा है, अनलेस एंड अंटिल ही और शी प्रूव्स हिमसेल्फ रॉन्ग और हरसेल्फ रॉन्ग। अगर वो अपने आप को प्रूव करते हैं रॉन्ग, तो फिर गलत हैं। आप सोचते सोचे रहते हो यार वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर गई मेरे ना, ओ मैं मारा गया, ओ मैं लुटिया गया, मैंने लुट के ले गई, कुछ भी नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, फॉर अ रीज़न, फॉर अ सीज़न एंड फॉर अ लाइफ टाइम। आने दें, लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग होंगे जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ यादें बन के रह जाएंगे। दैट्स लाइफ इज़। तो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, और प्लीज़ जब भी तस्वीर खिंचवाएं, मुस्कुराहट के साथ खिंचवाएं, क्योंकि जब अगर 10 साल के बाद या 20 साल के बाद आप देखेंगे, तो वो मुस्कुराहट आपको ज़रूर मुस्कुरा देगी, दोबारा आप उसको मुस्कुरा देंगे। ये होगा कि अगर गुस्से वाली तस्वीर होगी तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगी, और यार मैंने किस गलत गुस्सा थी। तो आप जब उनको आप अपने हिसाब से प्यार मोहब्बत के साथ अब चीज़ों को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी लाइफ, ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है, ज़िंदगी की इतनी टेंशन नहीं, हम खुद उसको टेंस कर देते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में देखें जी पैसे नहीं है, ओके जी नहीं है गए तो की करें, मतलब आप की करी, मार दीजिए किसी ने, बंदा नहीं कर सकता। जैसे हैं जहाँ हैं के बाद आप खुश रहते हैं। और वही वाली बात है कि अल्लाह से, मेरी अम्मा कहती होती थी कि अल्लाह से रिस्क करीम मांगना चाहिए, रिस्क करीम के आसान रिस्क, जिसमें और रिस्क के अंदर क्या है, आपके दोस्त हैं, आपकी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो सब कुछ भी रिस्क में आता है। आपकी सेहत, आपके आपका सब कुछ जो कि नॉन मटीरियलिस्टिक है, वो भी आपकी रिस्क का हिस्सा है। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, अपनी ज़िंदगी को मोटिवेट करें, और सिर्फ एक कहानी चाहिए होती है अपने आप को बदलने के लिए। तो वो कहानी आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। तो इट्स आर कहानी को जिस तरह मर्जी ले लें। अभी सुशांत की जो डेथ हुई जी, सुसाइड किया, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि यार क्या कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा जो ये चीज़ है। लेकिन आई बिलीव कि आपको, अगर आप जिंदगी वो ज़िंदा रहता, तो शायद उसको वो चीज़ें वो सामने आ जाती, उसके लिए वो चीज़ें बेहतर हो जाती। लेकिन दिस इज़ लाइफ, और ज़िंदगी में कब आपका पैकअप आ जाए, तो इससे बेहतर है कि ज़िंदगी में सुकून रखें, ज़िंदगी में खुशियाँ फैलाएँ। और लोग सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बतें बांटने वालों को और खैर बांटने वालों को याद रखते हैं, जिस तरह इशफाक साहब कहते थे कि लोगों में खैर बांटने वाले बने। तो प्लीज़ लोगों में खैर बांटें और बेलॉस होकर बांटें, और ये ना सोचें कि इसका क्या, आपका रिपरकशन क्या होगी, कि अगर मैं उससे प्यार कर रहा हूँ तो वो भी मेरे से प्यार करेंगे। कभी भी नहीं होता। आप जब किसी से प्यार कर रहे होते हैं तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि जी अल्लाह ने आपके लिए क्या करना है, एंड ही हैज़ बेटर ऑप्शंस फॉर यू। सो बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत मेहरबानी, आपने बड़ी अच्छी तरह से हमें गाइड किया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। आपका नाज़रीन, इस तरह की बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ लेके आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।